straight no. it's a good thing to start, start here. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيام أما بعد فقال قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال الله تبارك وتعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم منهن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हज़रा नाज्रेन के नाम एक बहुत ज़रूरी पर आप हज़रा से मुखातब होने की कुछ भाइयों ने के साथ दरख्वास कहें या हुकम कहें फरमाया इसलिए मुखातब होने का मौका मिल रहा है हज़रात जरामी अभी करीब में यह हमारा साल ख़त्म होगा और नया साल शुरू होगा तो नए साल के मुबारकबादी के वान पर या हैप्पी न्यू ईयर के उवान पर इस वक्त दुनिया में और ख़ुद हमारे यहाँ कश्मीर में और कश्मीर में ख़ास तौर तो पर गुलमर्ग में जो कुछ होता है उसके नुकसान अपने दीनी भाइयों को सुनाने और उन नुकसान से बचने के लिए इस वक्त ये गुफ्तु पेश की जा रही है हजरात इस्लाम में नए साल की कोई अहमियत नहीं है साल पिछले साल का आखिरी दिन और अगले साल का पहला दिन दोनों एक ही किस्म के हैं इस्लाम में अहमियत इसकी है कि इंसान का कौन सा वक्त कितने मुफीद काम में ख़र्च हुआ और कौन सा वक्त कितने मुजिर काम में सर्फ हुआ चाहे वो एक साल का दिन हो या अगले साल का दिन हो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन इस वक्त अब दुनिया में साल के उन्मान पर नए साल की मुबारकबादियों के उन्मान पर जो तरह तरह के काम होते हैं उन्मान तो होता है ख़ुशियाँ मनाना मगर इस्लामी नुतः नज़र से भी और इंसानी नुत नज़र से भी और अखलाक़ी नुक़ नज़र से भी जो जो ख़राबियाँ हो रही हैं उसका पूरा अंदाज़ा करना भी मुश्किल है मैंने में क़ुरान करीम की आयत पढ़ी अल्लाह अल्लाजा शाह फ़रमाते हैं वज़किरफिनफ़ा ई ईमान वालों को आप नसीहत करें अल्लाह का हुक्म अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो रहा है वज़किर आप ईमान वालों को नसीहत करें फ़िन ज़िक्रातमुमन इसलिए कि नसीहत ईमान वालों को ज़रूर नफ़ा पहुँचाती है मैंने दूसरी आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह जल शाहानूँ का अर्शाद है वो लोग जो मुसलमानों के अंदर ईमान वालों के अंदर फोहशकारी को फैलाने की कोशिशें करते हैं उन पर दुनिया में लानत और आखरत में दर्दनाक अजाब और तीसरी आयत पढ़ी अल्लाह जल्शानु हुक्म देकर फरमाते हैं वो तमाम फौश काम जो खुल्म खुला होते हैं और वह तमाम फ़ौश काम जो छुप करके होते हैं उनको छोड़ो और उनसे बचो वशत नबुलफवाहिश इजतना करो परहेज़ करो फ़ौश कामों से वह ज़रूल फवाहिश फ़ौश कामों को छोड़ दो चाहे वो खुल्लम खुल्ला होते हों चाहे छुप करके होते हों हजरत नए साल के उन्वान पर जब लोग जमा होते हैं और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि बेशुमार मुसलमान कश्मीरी लड़के और लड़कियां गुलमर्ग पहुँचते हैं तो उसके बाद जो कुछ वहां होता है वो सब का सब अल्लाह की गज़ब को दावा देने वाले काम हैं खुल ख़ुल्लम खुला नाच गाना ख़ुल्लम खुला शराब खोरी बदकारी फौजकारी गरज ये कि गुनाह के जितने काम वहाँ किए जा सकते हैं वह सारे काम होते हैं और किसी एक फ़र्द के अंदर भी शायद इसका एहसास नहीं होता कि हम कोई गुनाह का काम कर रहे हैं अल्लाह की ज़मीन पर रह अल्लाह की पैदा की हुई इस खूबसूरत दुनिया में अल्लाह के दिए हुए इस खूबसूरत जिसम को अल्लाह के नाफ़रमानियों के साथ हम इस्तेमाल करें इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा अल्लाह के गज़ब का मस्त बनाने वाली और कोई चीज़ नहीं दुनिया में जिन कौमों में यह सूरत हाल पैदा होती है अल्लाह जल शाह बहुत दिन तक इसको बर्दाश्त कर लेते हैं हदीस में है अल्लाह के नबी आल ने फरमाया माँ अहदिनला अल्लाह से ज़्यादा बर्दाश्त कोई नहीं करता अल्लाह ताली शान बर्दाश्त करते हैं लेकिन जब कोई कौम हद से गुजर जाती है तो उसके बाद फिर अल्लाह के फैसले आते हैं और फिर उन कौमों को तबाह करने के असबाब जमा हो जाते हैं जिन चीज़ों से किसी कौम को हयात मिलती है उन्हीं चीज़ों को अल्लाह ताला उन कौमों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कभी सैलाब की शक्ल में कभी जल्जलों की शकल में कभी इंसानों के जरिए से इंसानों के म की शक्ल में कभी बीमारियों की शक्ल में और कभी नाफ़रमानियों की शक्ल में कभी घरों में तजादा तो लड़ाइयों की शक्ल में ये सारी मुसीबतें नमदार होती हैं हज़रा बहुत सारे वालदेन शायद समझ नहीं पाते कि हम अपने नौजवान लड़कों और लड़कियों को कहाँ भेज रहे हैं और वहाँ जाकर क्या करेंगे और बहुत सारे वालदेन शायद ईमानी ग़रत और इस्लामी अहमियत और ज़मीर के एतबार से इतने खाली हो चुके हैं कि उनको इसकी भी परवाह नहीं है कि हमारे नौजवान लड़के और लड़के वहाँ जा क्या करेंगे और वो वापस कौन सा किरदार लेकर के आएंगे? और बहुत सारे वालदेन को शायद ख़बर भी नहीं रहती है उनके बच्चे लड़के हों या लड़कियाँ उनको धोखा दे करके कोई किसी दोस्त के यहाँ मिलने कोई किसी सहेली से मिलने के बहाने निकल जाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ क्या होता है हमने अपनी आंखों से देखा तो नहीं लेकिन अपने दर्दमंद भाइयों से जो कुछ सुना उसकी बिना पर इरादा किया आपके सामने और अपने कुछ भाइयों के इसरार की बिना पर इरादा किया कि यह सूरत हाल समझाई जाए और बताया जाए कि यह कोई खैर का रास्ता नहीं है यह कोई तरक्की का रास्ता नहीं है यह कोई भलाई का रास्ता नहीं है यह तबाही का रास्ता है फौशकारी की लज्जतें चंद सेकेंडों या चंद मिनटों की होती हैं या एक रात की होती हैं और उसकी तबाही जिंदगी भर के लिए होती है वो लड़कियाँ की जो इस नए साल की खुशी में शिरकत का अपने अपनी इसमत खो करके आ जाती है उन्होंने वक्ती तोहफत और रात गुजारी लेकिन सारी जिंदगी अपने आप को दावदार बना दिया वो लड़के और लड़कियां जो वहां गए और वहां के कंसर्ट में नाच गाना देखा शर्में पी फिर बदकारियां की उसके बाद फिर वापस आए तो गोया अपना पूरा जिसम गुनाहों से लत पत करके आ गए और नाफहमी से हम समझ रहे हैं कि कोई तरक्की कर रहे हैं ना फहमी से हम समझ रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं हम खुशियाँ मना रहे हैं मेरे भाइयों ये ख़ुशी का रास्ता नहीं है ये फौज़कारी का रास्ता है अल्लाह ने यह खूबसूरत कायनात इसलिए नहीं बनाई कि इंसान अल्लाह ना अल्ला की नाफ़रमानी करके ज़िंदगी गुजारे अल्लाह जल्लाशाह ने इंसान की खुशियों के तमाम जायज़ रास्ते खोल दिए हैं मगर उसके साथ ही इर्शाद फरमा दिया कि डांस हराम शराब पीना हराम बदकारियाँ करना हराम ना महरम लड़कों और लड़कियों का एक साथ बैठना हराम और उसके बाद फिर फजूल खर्चियाँ हराम ये सारे हराम काम जमा होते हैं और ये इतना ही नहीं मेरे भाइयों ये जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ वहाँ के होटलों में जाते हैं और सूरत हाल ये होती है कि महीनों पहले वहाँ के होटल बुक हो जाते हैं और बाद में वहाँ जाने की गुंजाइश भी नहीं भीड़ का आलम सोना यह है कि वहाँ लोगों को गाड़ियों में रात को सोना पड़ता है और सड़कें तक भर जाती हैं और सड़कों पर इस तरह से लोग नाचते और गाते हैं लगता ही नहीं है कि यह मुसलमानों की बस्ती है लगता है यह कि, कि किसी ऐसे इलाके के लोग हैं जिनके यहाँ ना ईमान न दीन ना अखलाक न तहजीब न हया ना पागदामनी ना फ्फत कोई चीज़ नहीं सब ख़त्म हो चुका है ऐसी सूरत हाल वहाँ बनती है हजरात यह सूरत हाल ईमान के खिलाफ फरमाया, जब कोई करता है उस वक्त वह तो मोमिन नहीं होता वह मुमिन चोरी करने वाला जिस वक्त चोरी करता है उस वक्त उसके अंदर ईमान बाकी नहीं होता है अल्लाह के नबीम ने इस फरमाया कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत के अंदर जिनाकारी फैल जाएगी शराबें पी जाने लगेंगी ये हदीस बुखारी शरीफ में है हदीस के अल्फाज इस तरह हैं कि यु शराबुलमूर व यजहार्जना यकसर जना बदकारी आम हो जाएगी शराबें ख़ुल्लम खुला पी जाने लगेंगी और बाद हदीस में है शराब के नाम बदल करके लोग इसको पियेंगे तो जब वहाँ खुलम खुला शराबी शराब पी जा रही है अल्लाह जल्लाला शानो शराब की वजह से दस इंसानों पर लानत करते हैं अल्लाह के नबी अल्लाहु ने फरमाया कि शराब गुनाहों की जड़ है आप अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया शराब तमाम फूहश कामों की बुनियाद है अल खमर उम्मुल फवाहिश यह हदीस नसाई शरीफ में और अबू दाऊद शरीफ में है एक हदीस में है अल खमर उम्मुल खबाइस शराब जो है वो तमाम गंदी बीमारियों की जड़ है चुनाच शराब के नतीजे में कितनी बीमारियां पैदा होती हैं और डांस के नतीजे में कितनी खराबियां पैदा होती हैं ये ईमान के लिए जहर है और हक यह है कि जब खुल्लम खुल्ला इंसान ये काम करने लगें और एहसास भी ना हो कि हम अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए ऐसे दिलों से ईमान ख़त्म हो चुका है चाहे वो बाद में ज़ुबान से कहते रहें इस तिश मुसलमान हम भी मुसलमान हैं मगर हकीकत यह है कि वो मुसलमान नहीं होते हैं उनके अंदर से ईमान निकल चुका होता है ये निफ़ाक की अलामत है कि आपनी ज़ाहिर तो करता रहे मैं मुसलमान हूँ और अंदर उसकी हालत यह है कि गुनाह करने पर उसे अफसोस भी नहीं हो रहा है और यह गुनाह वही है फौहश नाच गाने शराब खोरियां, ज़िनाकारियां, गले मिलना और डांस करना और ऐसे मिजाज जैसे कि अल्लाह का कोई खौफ नहीं है इसको कहते हैं सरकशी का माहौल जब सरकशी का माहौल पूरी कौम अपनाने लगे और कोई एहसास ना हो कोई शर्मिंदगी ना हो कोई तोबा का मिजाज न हो तो फिर अल्लाह ताला शानों के गज़ब उतरने में देर नहीं लगती है और अल्लाह किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं तो ईमान का नुकसान ये अखलाकी नुकसान भी है यह माली नुकसान भी है चुनाचित करोड़ों रुपया इन खुराफात में ख़र्च हो जाता है शराब पर होटलों पर डानस पर खाने पीने पर बदकारी पर करोड़ों की दौलतें इस एक रात में उड़ा दी जाती हैं क्या साहब रात के जो ही ग्यारह बज के कि उनचास के कितने मिनट होंगे उसके बाद अचानक गुप्त अंधेरा होगा फिर अचानक रोशनियाँ लाइट ऑन कर दी जाएंगी और सारी सारी दुनिया में जो है वो नाच गाना शुरू हो जाएगा और पटाखे उपसर किए जाएंगे और उसके बाद फिर फाशा शुरू होती हैं कुछ लोग नाचते हैं कुछ गाते हैं कुछ शराबें पीते हैं कुछ बदकारियाँ करते हैं कुछ बोसों किनार करते हैं और न जाने क्या क्या होता है तो माशी नुकसान इतना है ये माशरती नुकसान भी है जिस माशरे के अंदर इस तरह के लोग पनपने लगें कि जो बदकारीयों में मबला हों जो शराब खोरीों में मबतला हों जो डांस करते हों तो इसके माना है कि वह माशरा तबाही की तरफ जा रहा है बल्कि तबाह हो चुका है जिस माशरे के अंदर डांस को बुराना समझा जाए जिस माशरे के अंदर जिनाकारी को फैलाया जाए जिस माशरे के अंदर फजूल खर्ची इस तरह होने लगे जिस माशरे के अंदर फौज कामों के लिए करोड़ों रुपये ख़र्च किए जाने लगे जबकि उसी माशरे में बेशुम इंसान बेवा औरतें यतीम बच्चे मफलूकाल लोग एक रात के खाने के लिए मोहताज हूँ उस माशरे में लोग करोड़ों करोड़ों पे खर्च करें एक एक रात में बीस बीस तीस हज़ार पचास पचास हज़ार रुपये एक एक आदमी खर्च कर रहा है ऐयाशियों पर तो समझ लेना चाहिए कि ये तो समाजी नुकसान भी है जिस काम के अखलाकी नुकसान भी हों समाजी नुकसान भी हों माशरती नुकसान भी हों माशी नुकसान भी हों अखलाक नुकसान भी हों ईमानी नुकसान भी हों उस काम की तरफ अपने बच्चों को भेजना या नौजवान लड़कों लड़कियों का उसकी तरफ जाना तबाही की दावत है तो इसलिए हजरात तमाम वालदे से बहुत दर्दमंद अंदाज में दर्दमंदी के साथ दरख्वास्त की जाती है इस रात अपने बच्चों को हरगिज़ हरगिज़ अपने से जुदा न होने दें याद रखें बच्चों की वक्ति खुशी के लिए आप जिंदगी भर के लिए उनके जवानी को दावदार न बनाएं और याद रखें आप ये मत सोचें कि साहब मेरा बच्चा कवर खराब नहीं होगा और मेरी बेटी ख़राब नहीं होगी ये जब घर से निकल गया और उस माहौल में पहुंच गया तो उसकी आँख जिनाकारी के साथ वापस आएगी उसका कान जो है वो गुनाहों को लेकर वापस आएगा उसका जिस्म न जाने किन किन गुनाहों में डूब करके फिर वापस आएगा और उसके बाद फिर यही बच्चा आपके लिए वबाल बनेगा हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी आई के इरशाद मुबारक है कि जब कोई इंसान अल्लाह को नाराज करके किसी इंसान को राजी करता है उसी इंसान से बाद में उस इंसान को तकलीफ पहुंचाई जाती है आप अपने बच्चों को राजी करने के लिए अल्लाह का हुक्म तोड़ेंगे और उनको इजाजत देंगे और रकमें देंगे और वो अयाशों पर रकम उड़ा करके आएंगे तो याद रखें यह औलाद आपके लिए ववाले जान बनेगी चुनाची कितने घरों का तबाह हमारे सामने है कि उनकी औलादें उनके लिए दर्द सर बनी हुई है और जो औलादें अपने वालदेन को धोखा दे करके जा रही हैं और उनको कहते हैं हमें या तो कहीं दोस्तों के हरात गुजारनी हैं या सहेलियों के हरात गुजारनी है और उसके बाद फिर धोखा दे करके और तरह तरह से रख में एठ करके फिर पहुंच जाते हैं वो याद रखें कि उनकी जवानी उनके हाथों से तबाह हो रही है वो किसी और के ज़रिए से तबाह नहीं हो रही है और वो जो अब गुनाहों में डूब रहे हैं और बड़े बड़े गुना यही हैं और जब किसी कौम में यह बड़े बड़े गुना फैल जाते हैं तो उसके बाद फिर उस कौम का मुस्तबिल यकी तारीख हो जाता है अखलाक के एतबार से माशी एतबार से ईमानी अहतबार से और अल्लाह की तरफ़ से अज़ाब के नाजिल होने के अतबार से अल्लाह ताला तौनु तरह तरह की वारदिंगे देते हैं जिसमें फ़रमाते हैं कि वलो अहल व अनक्रामो लकफरना अगर मुल्कों रहने वाले बस्तियों वाले अगर तखवा इख्तियार करें गुनाहों से बचें तो हम उनके लिए रहमतों के दरवाजे खोलेंगे और अगर वो गुनाहों में इसी तरह से डूबे रहेंगे मैं कुछ दिनों के लिए तो दरवाज़ा खोल देता हूँ और अचानक जब पकड़ लूँगा तो फिर वो छूट नहीं पाएंगे फलामा नसुमाक्रबी फ़तह नाल अबाबकुलिसयही हता फरी महुतू अखस न अचानक मैं पकड़ लेता हूँ फिर वो छूट नहीं सकते हैं और एक जगह तो अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं वह अरदना अनुहले का करियतन हा जब हम किसी मुल्क किसी ख़ित को तबाह करने का फ़ैसला कर लेते हैं बदकारियों गुनागहों और गुनाहों की वजह से तो वहां के लोगों को खुली छूट देते हैं वहां के दौलतमंद दौलतमंदों में डूबते हैं वहां के जवान फहाशों में डूबते हैं वहां जनाकारी आम हो जाती है वहां फजूल खर्ची आम होती है वहां लोग लूट खसूट करते हैं और अयाशों में उड़ाते हैं और गरीब जो है वह भूखे मरते रहते हैं अमरनामत रफ़ी वहां के दौलत वालों को वहां के ऐश पसंद लोगों को वहां के ऐयाश तबीयतों को खुला छोड़ देते हैं फूफी है वह वहां खूब फिर फजूर करते हैं फिर फजूर का मतलब नाचेंगे गाएंगे शराबें पियेंगे बदकारियां करेंगे और तरह तरह के गुनाहों में डूबेंगे फिर अल्लाह हैं क्या फरमाते हैं फैसले का वक्त आ जाता है फिर मैं उस खत्ते के लोगों को पीस पीस करके रख देता हूं तो इसलिए हजरात ग्रामीण अपने बच्चों की निगरानी करें और इस दलदल में जाने मत दें वक्ती खुशी के उनवान पर इनका मुस्तकबिल तारीख मत बनाएं और ए नौजवान लड़क एक नौजवान भाई और बहनों आप एक थोड़ी थोड़ी देर की खुशी के उन्वान पर अपनी जिंदगी को तबाह मत करें आप वहां से बदकारियों का बोझ लेकर के आएंगे आपकी अगली जिंदगी यकीनन तबाह हो जाएगी इसलिए कि अल्लाह का कानून यह है कि जब कोई इंसान हराम लज्जतों से मजा उठाता है तो हलाल लज्जतों से वह महरूम कर दिया जाता है उसके बाद फिर उसकी मुस्तकबिल की जिंदगी में कभी मजा नहीं आएगा जिसने हराम खा करके मजा उठाया वह हलाल के लज्जत से महरूम हो गया और जिसने हरामकारी के जरिए से लजत उठाई वह हलाल जरिए से लज्जत उठाने से

खरीस मुबारक में है फरमाया जनाब रसोल अक्रमली वसम् ने कयामत के दिन अल्लाह तला शान हो कयामत के दिन अल्लाह तला शान हो पाँच बातों का जब तक जवाब नहीं लेंगे तब तक अपनी जगह से हटने नहीं, नहीं देंगे उन पाँच बातों में से एक बात ये होगी जवानी कैसे गुजारी थी अब जब हमारा नौजवान लड़का हो या लड़की वह रात को निकल गया और वहाँ जाकर के कंसर्ट में बैठा डांस देखा शराब पी नाच गाना देखा और उसके दिल में बुरे जज्बात उभरे उसके बाद फिर शराब पी और क्या क्या जो जो वो कर पाया वो कर सका वो पैसे खर्च करके आ गया तो गया ये अपने पूरे जिस्म को गुनाहों से लत पत करके आ गया अब उसके बाद फिर आगे चल करके तोहबा भी करेगा मगर अपनी जुबान से कयामत के दिन गवाह ही देगा मैंने अपनी जवानी को इन गंदे कामों में मुबला किया है जनाब रसोल अक्रम सल व्ल् को अपनी उम्म के जिन अफराद की बहुत ज़्यादा फिक्रें रहती थी उनमें से जवानों की जवानों की हमेशा ज़्यादा फ़िक्र रहती थी इसीलिए अल्लाह के नबी आलाम ने एक मतवर फरमाया हदीस की किताबों में है कई फबीकुमा यून्ना सिदा तगार नसाकुम लोगों उस वक्त तुम्हारा क्या हाल बनेगा जब तुम्हारी औरतें सरकश हो जाएँगी व फ़ासा काफियानुकुम और तुम्हारे जवान फिसको फजूर में मुतल हो जाएंगे तुम्हारी औरतें सरकश हो जाएँगी मसल शौहर को पता ही नहीं मेरी बीवी कहाँ है भाई को मालूम ही नहीं मेरी बहन कहाँ पहुंची बाप को पता ही नहीं मेरी बेटी कहाँ गई हुई है और अगर जा रही है तो इसरार करके जा रही है और अगर कोई रोकना चाह रहा है तो ये यह यहाँ से ताने देती है तो ऐलती बैकवर्ड तो ऐनती दखियानूस और ये कह करके फिर निकल जाती हैं यह है वो औरतें सरकश हो जाएंगी और फाशा का फितम और तुम्हारे नौजवान फासी को फाजिल हो जाएंगे फासे को फाजिल होने के माना क्या है यही है कि वह फौज काम करेंगे फौज काम का मतलब क्या जिनसी आवारगी जिनाकारी बदकारी शराब नोशी डांस म्यूजिक ये सारी चीजें हैं ये सारी चीजें हैं तो अल्लाह के उस तुम्हारा क्या होगा उनका हया थी उसमें पाकदाम शर्म थी उसमें बड़ों का एहतराम था उसमें गुनाहों से बचाने का मिजाज था उसमें जल्द निकाह कर लेते थे मगर गुना नहीं करते थे गुना नहीं करते थे उनको अगर ज़रूरत पड़ती थी वो बारह चौदह साल की उम्र में अपने बच्चों के निकाह कर देते थे, थे ताकि ये गुनाहों से महफूज रह सके वाक़ता यही होना चाहिए तो इसलिए साहबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे घरों के अंदर पलने वाली ये पाकिज़ा तरीन पौध ये कैसे बिगड़ जाएगी और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इसलिए साहबा ने बड़े ताज्जुब से पूछा अब हजा या रसूल अल्लाह या रसा क्या ऐसा होगा क्या हमारी और औरतें बिगड़ जाएंगी क्या हमारे नौजवान फास्क व फाजिर हो जाएंगे वो शराबी बनेंगे वो जुआरी बनेंगे वो जिनाकार होंगे वो डांस नाचने गाने वाले बन जाएंगे अल्लाह के नबी था ने फरमाया हाँ ऐसा होगा गोया आपने अफसोस के साथ फरमाया जो नहीं होना चाहिए वो हो करके रहेगा तो इसलिए हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं तो मेरे भाइयों में आखिर में फिर ये अपील करूँगा और इसलिए अपील करूँगा कि अल्लाह ने अपने कलाम पाक में फरमाया आप नसीहत करें और यह अल्लाह ने अपने नबी को दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत करें फैन जिक्रतफा मुमन नसीहत बहराल ईमान वालों का नफा पहुंचाती है इस वक्त की इस गुफ्तगू से अब अगर हमारा कोई एक भाई भी बच गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत तो वसूल हो गई और जिन भाइयों ने इसरार के साथ ये गुफ्तू करने का तकाज़ा रखा और बल्कि हुक्म फ़रमाया उनके उस इसरार की बिना पर उनको अजरज़ीम मिलेगा बहुत सारे हमारे भाई अपने मुसलमान लड़कों और लड़कियों की बिगड़ी हुई सूरत हाल पर खून के आंसू होते हैं मगर अफसोस ही होता है बहुत सारे वालदेन को एहसास ही ख़त्म हो चुका है या बहुत सारे वालदेन को अंदाज़ा ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को किस दलदल में फेंक रहे हैं और किसब मुसीबत में डाल रहे हैं जहाँ जाकर उनका ईमान उनसे छिन जाता है जहाँ उनका किरदार ख़त्म हो जाता है जहां उनकी आदतें बिगड़ती हैं जहां उनके अखलाक तबाह हो जाते हैं और वहां अपने बच्चों को भेज रहे हैं बड़े शौक के साथ और या फिर बच्चे वाले को धोखा दे करके या इसार करके और सोचते हैं बच्चे हैं इनकी खुशी के लिए कुछ भी कर लेना चाहिए आगे सुधर जाएंगे और इजाजत दे देते हैं बहरहाल वालदेन बेगरती कर रहे हो या धोखा दे रहे हों या इसको गैर अहम समझ रहे हों या औलाद उनको धोखा दे करके जा रही हो दोनों से दरखास्त है कि इस खराबी से अपने आप को दूर रखें उसे अपने आप को बचाएं इसमें ईमानी नुकसान भी है इसमें अखलाकी नुकसान भी है इसमें माशी नुकसान भी है इसमें माशरती नुकसान भी है इसमें समाजी नुकसान भी है इसमें तहजीबी नुकसान भी है और यह हमारी तरफ से गया मैसेज है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिजगी सिखाने वाला दिन हम उसकेम्बरदार हैं मगर उस दीन के अलमबरदार जो हैं वो बे में इतने डूब रहे हैं कि दुनिया को कौमों के साथ या उनसे भी चंद कदम आगे पहुंचे हम दुनिया की कौमों को तो जिनाकारी से रुकवाने वाले शराबखोरी से रोकने वाले बो से रोकने वाले होने चाहिए को जायज के क्या हम भी वही काम करने वाले बने अल्लाह करे ये दिल से निकली हुई ये दरखास्त आप हजरात के लिए किसी न किसी दर्जे में मुफीद हो अल्लाह करे कि आप अपनी जवानी की हफ़ाजत के फ़िक करें अल्लाह करे आपकी नस्ल आपके बच्चे आपके लिए सरमाया बने और मुस्तबिल इनका महफूज से महफूज़ तर हो और जिन खराबियों को वो शौक़ के साथ अपना रहे हैं और जिनको समझते हैं कि मज़े की चीज़ें हैं इस मज़ेदार जहर से अपने आप को बचाएँ और दूसरे भाइयों को बचाएँ वाखर उदाना रहा रबीआलमीन बेरहमति क़ैर